नमस्कार दोस्तों, मर्चेंट नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ रैगिंग के बारे में। लोग कई पूछ रहे हैं कि शिप पे रैगिंग होती है कि नहीं होती है, और होती है तो कैसे होती है, क्या क्या करते हैं। तो यार रैगिंग कुछ नहीं होती है शिप पे, बोलने की बातें हैं। रैगिंग मैंने 6 साल सेल किया है, कोई कुछ रैगिंग नहीं हुई। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, अगर शिप पे आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो तो पहली बात तो जाके सबसे मिलजुल कर रहा करो। शिप पे किसी से अलग रहने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास जाओ, सबसे बातें करो, सब अच्छे होते हैं यार। सब अगर बाहर की कंट्री वाले होंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रहेंगे, अगर इंडियन वाले रहेंगे तो इंडियन भी अपने भाई होते हैं, अगर इंडियन वाले सब मिलजुल के रहो। पहली बात तो जाओ कि फ्रेंडशिप बनाओ वहाँ पे, ये नहीं कि किसी से आप लड़ाई कर ले रहे हो, और किसी से आप पे डिपेंड होता है कि क्या आपका नेचर है, दूसरे पे आप वो मत कर सकते हो, ब्लेम नहीं कर सकते वहाँ पे शिप पे जाके। तो पहले आप ये देखो कि हाँ सबसे आप मिलजुल के रहो, दोस्ती बना लो। मेरा क्या हिसाब था, मैंने किया था स्टार्टिंग में, मैं मेरे साथ कम से कम 10 लोग ज्वाइन किए थे पहली बार जब मैं शिप ज्वाइन किया था। तो मेरे साथ क्या बोलते हैं, फिटर थे एक, और दो दो हम फ्रेशर थे, एक मैं था और एक और दोस्त था जब पहली बार ज्वाइन किया था, और एक ए बी थे, एक ऑयलर थे। 10 लोग तो मेरे वहीं दोस्त बन गए जब मैं पहली बार ज्वाइन किया था, तो 10 लोग वहीं पे दोस्त बन गए मेरे, और बाकी जो शिप पे थे बाकी मैं सबसे मिलजुल के बातें करता था। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाके अलग हो जाओ किसी से, मिलजुल के बातें ना करो किसी से, सबसे जाके मिलजुल के बातें करो। रैगिंग कुछ नहीं होती यार, कोई बोलने की बातें होती है। अगर कोई आपको परेशान करता है आप सीधा कैप्टन को जाके बोल सकते हो, सर मेरे को ये परेशान कर रहा है बंदा, तो कैप्टन उसको तुरंत तुरंत या सैक कर देगा या कुछ कर देगा। लेकिन आपको कोई भी अगर दिक्कत हो आप सीधा कैप्टन को बोलो, क्योंकि कैप्टन सबसे मेन होता है, कैप्टन आपकी हर बात सुनेगा। ये नहीं कि कैप्टन बहुत बेकार होता है, कैप्टन बहुत अच्छे होते हैं, कैप्टन को जो भी प्रॉब्लम है आप बताओ। बहुत अच्छे अच्छे कैप्टन मिले हैं मुझे, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वो उनसे जाके बोलो, उनको पता है, वो 10-20-25 साल शिप पे सेल किए हो कैप्टन को। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कैप्टन को जाके बोलो, कोई भी आपको दिक्कत है, खाना पीना दिक्कत है आपको, कुछ जैसे आपको परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तबीयत सही नहीं है, सीधा कैप्टन से जाके बोलो, कैप्टन आपकी हर बात मानेगा, आपको मेडिसिन देगा, आपको कोई भी परेशानी है सब आपका केयर करता है कैप्टन। ऐसा नहीं है कैप्टन की आपको कैप्टन भी वो करेगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर कोई परेशान करता है तो आप सीधा कैप्टन को जाके बोलो। रैगिंग कुछ नहीं होती यार, बोलने की बातें रैगिंग वैगिंग के बारे में कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में जाओगे तो काम तो करना पड़ेगा यार, आपकी ड्यूटी है तो आपको काम करना पड़ेगा, वो अगर एक्स्ट्रा भी आपको करना पड़ेगा तो आपको करना तो पड़ेगा। एक ओटी अगर आपको करना है, अगर जैसे आपकी 8 घंटे ड्यूटी अगर एक्स्ट्रा कर रहे हो तो वो भी करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना पड़ेगा आपको यार, पहली बार जा रहे हो आप कर लोगे तो आपको सीखने को ही मिलेगा कि हाँ भाई मैंने ये कर लिया तो मेरे को ये नॉलेज हो गई, तो करने से क्या दिक्कत है। आप करने को है तो कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अगर आपको आके बोल, आपके बड़े रैंक वाला बोल, हाँ भाई ये भी कर ले, चल अच्छा ठीक है कर लेता हूँ मैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, आप कर लो, कर लोगे तो आप भी को नॉलेज मिलेगी, हाँ भाई चल मैं कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे तो आपको मिल रहे हैं ना, अकाउंट में आपके पैसे आ रहे हैं ना, तो इसमें क्या दिक्कत है। बेसिकली यही मैं बोलूँगा कि रैगिंग नहीं होती है यार। रैगिंग के बिना मतलब आप लोगों को लगता होगा कि जैसे कॉलेज वगैरह में रैगिंग होती है, किसी को भी क्या बोलते हैं ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता शिप। अगर रैगिंग होने लगी शिप पे तो भाई सब सैक हो जाएंगे शिप से। रैगिंग शिप ऐसे नहीं चलती, शिप ऐसे चलती है कि भाई अगर एक जगह से उनको डिस्चार्जिंग करना है तो दूसरी जगह लोडिंग भी करना है उन लोगों, तो सब मिलजुल के रहेंगे तभी वो लोग कर पाएंगे शिप पे, नहीं तो ऐसा कोई काम नहीं कर पाता शिप पे। शिप पे सबको मिलजुल के रहना रहता है और सब मिलजुल के ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी से लड़ाई कर लिए और वो कर लिए, कुछ नहीं। आप आराम से सबसे बातें करो, प्यार से बातें करो, स्टार्टिंग में जाओ दोस्त बना लो सबको, और नॉर्मली सबसे बातें किया करो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूर रहो किसी से, आप बराबर शाम को आपकी जब आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है 5 बजे के बाद शिप पे, तो उसके बाद जाके कैबिन में सबके साथ मिलो, नहा धो के अपना फ्रेश होके सबसे मिलो, सब अपना बैठे रहते हैं कैबिन में या बाहर बैठ जाएंगे, ब्रिज में चले जाओ कैप्टन के साथ, कहीं पे भी आप जा सकते हो, ब्रिज में चले जाओ ऊपर कैप्टन से मिलो, चीफ ऑफिसर रहते हैं, काफ़ी ऑफिसर डेक कैडेट्स रहते हैं, सबसे मिलो, सब बात करो, सब बढ़िया रहते हैं यार। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई परेशानी होगा शिप पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप शिप पे जा रहे हो, ऐसा आपको कोई परेशान करेगा तो वो खुद ही जाएगा वापस, वो खुद ही सैक हो जाएगा। आपको नहीं सैक करेंगे, वो खुद सैक हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप सीधा कैप्टन को बोलो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेसिकली यही यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं तो अभी तक सेल किया है, मैंने मेरे को मालूम है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मेरे को ना आई है, और सब अच्छे रहते हैं, ऐसे नहीं है। और बाहर कंट्री वाले मिल गए तो और अच्छे रहेंगे, वो सब जो बाहर ही होते हैं, रशियंस होते हैं सबसे अच्छे मेरे को अभी मिले, यूक्रेनियन होते हैं, रशियंस होते हैं, और फिलिपिनो भी बहुत अच्छे होते हैं, फिलिपिनो जितने भी, वो अच्छे अच्छे से बात करते हैं, और अब उन लोग से साथ सही है। अब मल्टी क्रू जो होता है ना वो बढ़िया होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंडियन ही रहेंगे, सारे मल्टी क्रूज रहते हैं, हर जगह कंट्री के रहेंगे आपको शिप पे। और जो RTF कंपनियों में जाओगे तो जैसे बड़ी बड़ी RTF कंपनियों में जाओगे तो उसमें मल्टी क्रूज रहते हैं, हर जगह क्रू रहेंगे, यूक्रेनियन रहते हैं, अमेरिकन रहते हैं, यूके के रहते हैं,
जर्मन के रहते हैं, हर जगह मिक्स रहते हैं, तो वो मज़ा आती है आपको सेल मारने में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रैगिंग करेगा आपके साथ, कोई कुछ नहीं करता, आराम से आप सेल कर सकते हो, आराम से आप कोर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फेस किया है खुद ही, कोई दिक्कत नहीं आई आपको। इसका भी क्वेश्चन था यार, कोई रैगिंग वैगिंग नहीं होती, बोलने की बातें, बस काम करना पड़ेगा। लेकिन काम काम को ही लोग बोलते हैं कि भाई वो रैगिंग करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। काम करोगे तो आपको ही नॉलेज मिलेगी और आपको ही सीखने को मिलेगा, आगे आपको ही नॉलेज आएगी, आपको ही काम आसान हो जाएगा। तो इतना ही बताना था रैगिंग वैगिंग के बारे में, कुछ नहीं होता रैगिंग, बोलने की बातें हैं सिर्फ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।